डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इज़्ज़त फारूक। आज हम एक्सरसाइज 2.9 की तरफ 2.8 की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। और 2.8 से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना है, जिसमें पहली टर्म हमारे पास है मैक्लॉरिन सीरीज। सो मैक्लॉरिन सीरीज का जो रिजल्ट है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो। यहाँ पे एफ डबल डैश डबल सेकेंड डेरिवेटिव है, प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड प्लस सो ऑन। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ जीरो यानी कि एक्स की जगह जीरो पुट करके एफ डैश जीरो यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेके उसमें एक्स की जगह जीरो पुट करके बाकी एक्स और एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब इसी तरह एफ ट्रिपल डैश। ये रिजल्ट मैक्लॉरिन सीरीज से प्रूव होता है। तो हम इससे 2.8 के क्वेश्चन की तरह चलेंगे, उसमें हम वापस टर्म को अप्लाई करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज की। अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज, पहला सवाल है अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज मैं मैक्लॉरिन सीरीज को एनसी से लिख दूंगा। अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन to prove that कि हमारा आप इस चीज को प्रूव करना है कि नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री एंड माइनस एक्स फोर ओवर फोर प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन से प्रूव करना है। मैक्लॉरिन सीरीज में आपको पहले बता चुका हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो और फिर एंड फर्दर ऑन नेचुरल यानी के यहाँ पे हमारे पास नेचुरल। तो एफ ऑफ एक्स आप लोगों को पता लग गया है कि हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ वन ऑफ प्लस एक्स है मैक्लॉरिन सीरीज के थ्रू। तो हमारा एफ ऑफ एक्स है नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एफ डैश एक्स लें डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद साथ ही आप ऐसे करें कि एफ डैश जीरो भी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें एफ ऑफ जीरो भी की भी जरूरत पड़ेगी। एफ ऑफ जीरो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस जीरो, एक्स की जगह हम जीरो पुट कर रहे हैं, और फिर नेचुरल लॉग ऑफ वन जो कि जीरो के बराबर होता है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। हम जानते हैं कि नेचुरल के साथ वाली टर्म को नीचे वन ओवर वन प्लस एक्स और वन ओवर वन प्लस एक्स के आगे फर्दर डेरिवेटिव जो कि वन का जीरो होगा और एक्स का वन होगा लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं। आगे इसके एफ ऑफ जीरो हम फाइंड करेंगे एफ डैश जीरो वन ओवर वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन ओवर वन और इज इक्वल टू वन। आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को अब f डबल डैश हो जाएगा वन ओवर
ये माइनस वन शुरू में आ जाएगा और वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगी, जो कि असल में माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स होल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एफ डबल डैश जीरो का आप निकाल लेंगे, माइनस वन ओवर वन प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू का स्क्वायर और माइनस वन ओवर फोर। जीरो वन, सॉरी स्टूडेंट्स, दिस विल बी एफ ऑफ जीरो हम निकालें तो यहाँ पे जीरो आएगा। एफ वन प्लस जीरो, ये दोबारा वन और वन का स्क्वायर वन आएगा और यहाँ पे ये माइनस वन के बराबर। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एफ ट्रिपल डैश जीरो आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स जो के माइनस वन और ये माइनस टू शुरू में आ जाएगा, फिर वन प्लस एक्स और ये माइनस थ्री, यानी कि टू ओवर वन प्लस एक्स की पावर थ्री। यहाँ पर हम एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो फाइंड आउट करेंगे, जो कि आ जाएगा टू ओवर वन प्लस जीरो का क्यूब और ये टू ओवर वन प्लस एक्स का, वन प्लस जीरो ये वन का क्यूब और ये आपके पास टू ओवर वन और ये टू के बराबर। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, आप अपने रिजल्ट को देख लेना है कि हमें कहाँ तक चाहिए। अभी आपने देखा कि हमारे पास एक जीरो टर्म आ गई, हमें कितनी टर्म्स चाहिए, एक दो तीन चार, और एक हमारे पास तो जीरो आई है, तो एक दो तीन चार, तो हमें यानी कि पांच टर्म्स चाहिए टोटल, चार ये हैं और एक जीरो आई है, इसमें से उसको काउंट नहीं करेंगे, एक दो तीन चौथी भी निकालेंगे। डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, एफ ट्रिपल एफ फोर टाइम्स डैश और एक्स। अब यहाँ पर ये हमारे पास टू और ये माइनस थ्री पावर शुरू में आ जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी ना, फिर उसके बाद वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर। स्टूडेंट्स दिस विल बी माइनस सिक्स ओवर वन प्लस एक्स की पावर फोर। तो आप इसका इधर एफ ट्रिपल डैश फोर टाइम्स डैश का जीरो फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि माइनस सिक्स ओवर वन प्लस जीरो की पावर फोर और माइनस सिक्स ओवर वन की पावर फोर माइनस सिक्स की पावर वन ओवर वन और ये माइनस सिक्स आपका जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमने टर्म्स निकाल दिए जो हमें चाहिए थी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग देख लीजिएगा इसको आके बात लिखा हुआ। तो हमने ये टर्म्स जो पहले मैंने रिमूव कर दिए हैं आप लोग देख लीजिएगा, अब हम लिखेंगे कि वी नो द मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन। वी नो द मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन, किस तरह है वो मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन के, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो और प्लस एक्स केयर ओवर टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूबिक ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो और प्लस एक्स की पावर फोर ओवर फोर फैक्टोरियल एफ फोर टाइम्स डैश ऑफ जीरो प्लस सो ऑन। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए क्यूब तक थ्री डैश तक लिखा था, पर अब मैंने फोर डैश तक लिखा है, आप इसको देख सकते हैं
कि जितना भी प्लस सो ऑन ऐसी ही टर्म्स होंगी आके। तो आप देखेंगे हमने ये तमाम चीज़ें पहले फाइंड आउट कर ली हैं, तो हम इसमें पुट करेंगे हमारा एफ ऑफ एक्स था आपके सामने नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और एफ ऑफ 0 था आपका 0 प्लस एक्स, और आपका एफ डैश 0 था 1, और आपका ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल का हम 2.1 लिख लेंगे। एफ डबल डैश 0 था आपका -1 प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल का 3.2.1, और एफ ट्रिपल डैश 0 था आपका 2 प्लस x⁴ ओवर 4 फैक्टोरियल का था 4.3.2.1। आप फैक्टोरियल के हवाले से जानते हैं कि हम फैक्टोरियल के इक्वल टाइम है 6 फैक्टोरियल, तो हम उसे 6.5.4.3.2.1 लिख सकते हैं। इसी तरह 7 को 7.6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी कि 6 फैक्टोरियल आगे ये चीज़ है। तो स्टूडेंट्स x⁴ और 4 डैश आपके पास आया था -6, इसी को आगे वैल्यू के नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 0 खत्म हो जाएगा, और एक्स प्लस ये वाला माइनस इधर आ जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 वन ज़ार 2, और ये प्लस 2 इज 2 से कैंसिल हो जाएगा, और x³ ओवर 3, और ये फिर माइनस, और ये 3, 2 ज़ार 6, और ये इससे कैंसिल हो, ये माइनस अप्लाई हो गया, और x⁴ ओवर 4 प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आपने क्या प्रूव करना था बाय मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, आपने इस रिलेशन को प्रूव करना था, और आपने देखा कि हमारे पे एक रिलेशन था, हमने उन्हें एफ ऑफ एक्स को यूज करते हुए ये टर्म्स फाइंड आउट की, फिर मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन को लिखा और उसमें वो वैल्यूज अपनी पुट की, तो आपने देखा कि ये वैल्यू जो हमें प्रूव करनी थी हमें मिल गई है। इसी तरह आगे मैक्लॉरिन सीरीज ही चलेगी क्वेश्चन 1 के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में, उसको आप खुद कर लीजिएगा। और पार्ट 5 से आगे क्वेश्चन 2 से पहले, यानी कि पार्ट 5 पे हमारा क्वेश्चन 1 खत्म हो जाता है, उसके बाद हम टेलर सीरीज पे आ जाते हैं। तो अब हम टेलर सीरीज की बात करेंगे, सो द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। किस तरह है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड प्लस सो ऑन। इसी तरह की सेम मैक्लारन सीरीज आपने देखी, अब टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, उधर एफ ऑफ 0 था, इसमें सब में एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, और वहां पे हम एक्स साथ करते थे, यहाँ एच आया तो हमने एच को एज अ कॉन्स्टेंट साथ लिया, एच एच स्क्वायर ओवर 2 और h³ ओवर 3। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। तो वो कहते हैं क्वेश्चन 2 में आपने मैक्लारन सीरीज और टेलर सीरीज को रट्टा लगा लें हैं, जिस तरह भी है अपनी कोई निशानी रख लें, याद कर लें। सो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है शो दैट cos x plus h is equal to cos x minus h sin x minus h square over 2 factorial cos x plus h³ over 3 factorial साइन एक्स प्लस सो ऑन। आप
को एक्स प्लस एट से ही अंदाजा हो जाएगा कि हमें इसे टेलर सीरीज से प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स आपको टेलर सीरीज में पता होता है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो आप देख लें कि हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो कुछ इस तरह है, कॉस एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स, और अगर आप एफ डिफरेंशिएट करेंगे इसको अपनी टर्म्स, पहले हम देख लेंगे जो हमें टेलर सीरीज में यूज होती हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव 1 है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स माइनस और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स और माइनस और कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, जो के दोबारा ये माइनस पॉजिटिव और ये साइन एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने लिख लिया है, उसके बाद अब हम लिखेंगे वी नो द टेलर सीरीज एक्सपेंशन उसमें क्या होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस सो ऑन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं अपनी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे आपके पास इसमें मौजूद हर चीज है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी कॉस इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका कॉस एक्स है प्लस एच एफ डैश एक्स आपका क्या निकला था माइनस साइन एक्स, आप यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख लें प्लस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश आपका माइनस कॉस एक्स निकला था और प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। आपने देख लेना स्टेटमेंट में हमें क्या चाहिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में जो हमने चैप्टर क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया था उसका पहला जो पार्ट अटेम्प्ट किया उसमें हमने फैक्टोरियल फॉर्म को ओपन कर दिया था, यहाँ पे हमने फैक्टोरियल फॉर्म को ओपन नहीं किया क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो आंसर है उसके अंदर ही फैक्टोरियल फॉर्म ही चाहिए। सो एफ ट्रिपल डैश एक्स हमारे पास क्या निकला था साइन एक्स, अब इसको आप और कर लें इवेल्युएट कॉस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस एच साइन एक्स प्लस माइनस एच से केयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू कॉस एक्स और प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप अगर देखें हमने फैक्टर अपनी टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद टेलर सीरीज की मदद से अपने इस एक्सप्रेशन को प्रूफ किया कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स और आप यहाँ पे भी प्लस सो ऑन और प्लस सो ऑन, यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। और इसके बाद क्वेश्चन 3 है उसको भी आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन से प्रूव कर लेना है और आज तक लिखना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।